हम कैसे मार खा ले, हम महात्मा गांधी के अनुयायी नहीं है। मैं आज गर्व से कर रही हूँ, मैं गोडसे की अनुयायी हूँ। पत्थर पहले से इकट्ठा था, अग्नि युद्ध की तैयारी पहले से चल रही है। इसका मतलब हर में भीमटे जो हमारे राम को नहीं मानते हैं, जो हमारे शिव को नहीं मानते हैं, जो माता दुर्गा को नहीं मानते हैं, वो भीमटे मेरे भाई नहीं, वो मेरे कट्टर दुश्मन है। जामिया पर, जेएनयू पर आपने हमला करवाया, अली अलीगढ़ पे आपने हमला करवाया। हमला नहीं, वहाँ सिर्फ देश विरोधी उत्पन्न हो रहे हैं। किसने कहा देश विरोधी? उसमें जिस भी गद्दार, उसमें जो पढ़ पढ़ के पढ़ लिख के गद्दार, उसमें से बाहर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं देव, आप देख रहे हैं इस समय लोकतंत्र टीवी। हमारे साथ मौजूद हैं रागिनी तिवारी जी, जो लगातार कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे लगातार ट्रेंड कर रही हैं, और जिनका वजह यह है कि हिंदू मुस्लिम जो दंगा लगातार दिल्ली में हो रही है, उनका महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसा हम कह सकते हैं मैडम। क्योंकि कपिल मिश्रा के बयान के बाद आपने भी लगातार सुर पकड़ा है, और कहीं ना कहीं उस दंगों में आपका अहम योगदान है। क्या कहेंगे इस विषय पर? हमने ऐसा क्या बोल दिया, हम अभी भी नहीं समझ पाए। आपने कहा कि मुल्लों को काटो, मुस्लिमों को भगाओ, क्या ये मुस्लिम देश नहीं है क्या? हमने उपद्रवियों को भगाओ के लिए कहना कहा, हम मुस्लिम को नहीं, हमने उसको कहा जो हमारे राष्ट्र से प्रेम नहीं करते हैं, और जिनको CCA NRC से दिक्कत है, जिनको भारतीय संविधान से दिक्कत है, जिनको सरकार से दिक्कत है, यानी वो हमारे नहीं हैं। जो मेरे देश में रहेंगे वो हमारे हर सभ्यता को, हर संस्कृति को, हर संविधान, सरकार को, सबको मानेंगे। लेकिन यहाँ तो वजह सरकार से फायदा लेने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन सरकार के कानून से बहुत दिक्कत है। सरकार ने जो कानून पास किया, अभी जानते हैं जो सरकार कैबिनेट, हम जनप्रतिनिधि भेजे हैं, जो कानून बना दिया है उसको बैक नहीं होगी। हाँ, उसमें कुछ संशोधन हो सकती है, उसके खिलाफ प्रदर्शन 70 दिन से पूरे वर्ल्ड में थू थू हो गई है हमारी, बस उसी के लिए हमने प्रदर्शन किया शांतिपूर्वक। बस पत्थर चल, इसको शांतिपूर्वक कैसे कह सकते हैं? लगातार मुस्लिमों की जान जा रही है, मुस्लिम समाज की, आप इसको शांतिपूर्वक कैसे कह रही हैं? आपके बयान से क्या आपको नहीं लगता कि दिल्ली में तमाम जगहों पर शाइन बाग पैदा हो रहा है, तमाम जगहों पर आप ये दंगा फसान कराने की एक बहुत बड़ी शाइन बाग किसने किया शुरू? शाइन बाग तो आप जैसे लोगों ने किया ना, NRC NPR को जब जन विरोधी ये काला कानून जब से आया है, और आप उसको लगातार टारगेट कर रहे हैं, आप ही नहीं कपिल मिश्रा साहब भी शामिल है उसमें। ये काला कानून है, आप जानते हैं, आप एक दिन होटल में कहीं जाते हैं तो होटल में आप एक दिन जैसे पहुंचे तो आपको आइडेंटिटी कार्ड देना होगा, आइडेंटिटी कार्ड देना होगा, तब आपको होटल में रूम मिलेगी। लेकिन जब हम देश में रहते हैं कि अच्छा आप मीडिया वाले हैं, तब तो मैं आपको आपको घर में घुसने दी हूँ बिना आईडी दिखाए, हम क्यों घुसने देंगे आपको अपने घर में, क्यों रखेंगे? हो सकता है आप आतंकवादी हो, तो अच्छा ये भी नहीं है, ये तो सरकार का काम है, आप क्यों इसमें बीच में? नहीं तो सरकार के विरोध है, हमारी सरकार किसकी है? हम जन के जन प्रतिनिधि ही तो चुन के वहां भेजे हैं, हम भी भेजे हैं, आप भी भेजे हैं, वो भी भेजे हैं, वो तो सरकार कह रही है आप ऐसे जो है उग्र भाषण देने के लिए। हमने कहां बोला, हमने कहां बोला? आपके चलते दंगा हो गया, आप कहते हैं पूरा ब्रिज, पूरी मौज, पूरी पूरा जल के राख हो गया, लाखों का नुकसान हुआ है, आप कह रही है। हाँ हाँ, देश में जो आप लोग दिखाइए, आप लोग को तो अभी पता भी चल गया है, हमने ही कराया, कपिल मिश्रा जी ने कराया, प्रवेश वर्मा ने कराया, लेकिन अनुराग ठाकुर जी ने कराया, भाई वर्मा जी ने कराया, लेकिन वारिस पठान ने नहीं कराया, अमतुल्ला खान ने नहीं कराया, वसीम रिजवी ने नहीं कराया, ओवैसी ने नहीं कराया, बस सिर्फ हिंदू ने कराया, कोई बात नहीं। भाषण तो जहरीले आपके थे ना, क्या ऐसा हमने बोल दिया, हम भी तो सुने, मुल्लों को काटो, वीडियो वायरल हो रहा है कि ये आतंकी हैं, इनको भगाओ। नहीं, आतंकी आतंकवाद का तो कोई, मैं ये बोली जब पत्थर चलने लगा तो मैं बोली रोको, हम कैसे मार खा ले, हम महात्मा गांधी के अनुयायी नहीं है। मैं आज गर्व से कर रही हूँ, मैं गोडसे की अनुयायी हूँ, मैं चंद्रशेखर आजाद की अनुयायी हूँ, मैं भगत सिंह की अनुयायी हूँ, मैं सुभाष चंद्र बोस की अनुयायी हूँ। यही तो देश विरोधी नारे हैं जो आप अभी बोल रही हैं, क्या गोडसे का योगदान है? गोडसे का योगदान नहीं है, नहीं, हमने योगदान पर नहीं कहा, मैं अनुयायी कही, मेरी इच्छा, मैं किसको फॉलो करूंगी, इट्स डिपेंड ऑफ माय मेंटेलिटी। ये तो देश गांधी अहिंसावादी बन रहा, आप हिंसावादी बन रहे, धर्म हिंसा तो थी, एक ही लाइन के बोल रहा है, दोबारा वाला भी बोल, नहीं, गांधी तो अहिंसावादी थे ना, गोडसे तो हिंसावादी थे, उन्होंने क्या की हत्या की है गांधी जी की? किसकी? गांधी जी की। और इतना लोग जो रोज मर रहा है वो, आप इतने लोगों को कैसे जोड़ सकती हैं गांधी जी से? सब गांधी नहीं हो सकते हैं। अच्छा, तो सब गोडसे भी नहीं हो सकता है?
तो आप इस चीज़ों को क्यों दंगे जैसी शब्दों का लगातार इस्तेमाल कर रही हैं? दलितों के बारे में आप कह रही हैं, मुसलमानों के बारे में आप नहीं, दलित तो मेरे भाई हैं, दलित मेरे भाई हैं। फिर भीमटा क्यों कहते नहीं? भीमटे जो हमारे राम को नहीं मानते हैं, जो हमारे शिव को नहीं मानते हैं, जो माता दुर्गा को नहीं मानते हैं, वो भीमटे मेरे भाई नहीं, वो मेरे कट्टर दुश्मन हैं। तो आप ये चाहती हैं कि देश धर्म प्रधान हो? जी, हिंदुओं का देश है, मुसलमान नहीं रहे यहाँ पे, रहे लेकिन जिस जहाँ हम रहते हैं उसके अनुसार रहे, उसको फॉलो करके रहे। या तो मस्जिद क्यों जलाया आपने? कहाँ? अच्छा, एक मस्जिद आपको दिख गई? या हजारों मंदिर टूटी वो नहीं देखी? देखी उसके पहले यहाँ शमशान घाट पर शिव मंदिर टूटा वो नहीं दिखी? बस एक ही दिख गई, यही तो मीडिया के लोग तो कह रहे हैं। मीडिया को पता चल गया, मीडिया को पता चल गया जो आतंकवादी का थी भगवा रागनी तिवारी भगवा पहनी थी। हाँ, मैं भगवा धारी हूँ, मैं सनातनी हूँ, मुझे गर्व है, मेरी आन है भगवा, मेरी शान है भगवा, मेरी जान है भगवा, मैं गर्व से कहती हूँ जब मैं सनातनी हूँ, भगवा मेरा वस्त्र है। अभी तक आपने ट्विंकल शर्मा के रेपिस्ट का धर्म नहीं पता चल सका, प्रियंका रेड्डी के रेपिस्ट का धर्म नहीं पता चल सका, गीता के रेपिस्ट का धर्म नहीं पता चल सका, पर रागनी तिवारी का धर्म का पता चल गया, जो रागनी तिवारी सनातनी है। क्या मिलता है ये सब करने से? क्या मिल रहा है आपको? फायदा क्या हो रहा है? आप धर्म की बात करते हैं, राम की। क्या श्री राम कहते हैं कि मुसलमानों को दलितों की हत्या कीजिए? नहीं, दलितों का कहाँ हत्या हो रहा है? दलित तो मेरा भाई है। मॉब लिंचिंग, दलित मेरा भाई है। उत्तर प्रदेश में क्या करवा रहे? दिल्ली में भी हत्या हुई है उस दंगों में? नहीं नहीं, दलित तो मेरा भाई है। उपद्रवियों भाई को हत्या, 400 लोग चाकू मारे गए हैं, पुलिस शहीद हुए हैं, तो मुसलमान भी शहीद हुए। पत्थर पहले से इकट्ठा था, अग्नि युद्ध की तैयारी पहले से चल रही है। इसका मतलब हर में आप लोग जो दिखा रहे हैं, हमें कोई इस चीज़ का परवाह इसलिए नहीं है, दिखाइए, मुझे इस बात का गर्व है जो जो हमने शुरू किया, हिंदू जो बैठ गए हैं घर में भाईचारा यानी एक भाई एक चारा बन के। रामायण में बाबा तुलसीदास बालकांड में है, शायद बालकांड में ही है, जो अहिल्या प्रसंग में, जो जब अहिल्या भगवान दर्शन दिया अहिल्या को, तो अहिल्या को जब चरण धूली पड़ा, अहिल्या बन गई, तो वही सन्मुख होई कर जोर रही, यानी जैसे सामने देखी तो कर जोर के बैठ गई। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही, कुछ मुंह से बचन ही नहीं निकला एक मिनट। तो भगवान ने पूछा जे हे माता, आपने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो ऋषि ने आपको श्राप दे दिए? तो अहिल्या कहीं, जो अपराध, कोई अपराध नहीं है। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखे उ हरि लोचन हरि भव मोचन, इहि लाभ शंकर जाना। मैंने हिंदू को जगाया है और पूरे भारत का हिंदू एकजुट है, मेरा मिशन सफल हुआ, हमारे हिंदू जग गए हैं। अब महात्मा गांधी के एक थप्पर मारो तो दूसरा बढ़ा दे, ये चला गया जमाना। नहीं नहीं, मुझे एक बात बताइए, जिन देश में लगातार युवाओं की बेरोजगारी बढ़ रही है, जीडीपी ग्रोथ नीचे हो रही है, अशिक्षा शिक्षा पर लगातार हत्याएं हो रही हैं, शिक्षा मंदिर जैसे विश्वविद्यालयों पर, आप इन विषयों को लेकर चुप हैं, लेकिन NRC NPR के जो लोग समर्थन कर रहे हैं आप उनके खिलाफ हैं, आप क्यों नहीं कहती सरकार से, अपने नेताओं से कि GDP पे बात करें, शिक्षा पे बात करें, रोजगारी पे बात करें, क्यों नहीं हो पा रही ये सरकार? लगातार सरकारी स्कूल बंद करा दी है, कहाँ बंद? नहीं, विश्वविद्यालय की बात करें, जामिया पर, JNU पर आपने हमला करवाया, अलीगढ़ पे आपने हमला करवाया। हमला नहीं, वहाँ सिर्फ देश विरोधी उत्पन्न हो रहे हैं। किसने कहा देश विरोधी? उसमें जो भी गद्दार, उसमें जो पढ़ लिख के गद्दार उसमें से बाहर आ रहे हैं, पद्मभूषण गद्दार को दे रही है। नहीं नहीं, देश विरोधी, देखिए तुलसी के दरबार में भांति भांति के लोग। नहीं, ये मुझे श्लोक नहीं आता मैडम उतना, क्योंकि मुझे इसे इत्तफाक नहीं रखता। मुझे एक बात बताइए, जो लोग आप जिनको गद्दार कह रहे हैं, जिनको आप आतंकी कह रहे हैं, उनको पद्म भूषण दे रही है आप? सुनिए मैं क्या बोली हूँ, सारे मंत्री JNU के आपके पास, बाबा तुलसी कहे अजय सब नर हो तना एक समाना, ठीक है पांच उसमें से रत्न निकल गए, लेकिन उसमें 55 हम तब के थे, आज सिर्फ उसमें देश विरोधी गतिविधि चलती है, उस पर तो तुरंत सरकार को ताला लगा देना। और आपके अमित शाह
जी बढ़िया लोग हैं। नहीं बहुत बढ़िया है, जस्टिस लोया की हत्या कर बाकी बढ़िया हो गए। नहीं नहीं, तो आप लोग मीडिया किसको कहाँ पहुँचा दे। अब मीडिया मुझे ही इतनी ये कर रही है, इन्होंने ही तलवार लेके घूम रही थी, बर्छी लेके भाला घूम रही थी, सबका हत्या मैंने किया। आप क्या बताना चाह रहे हैं कि जो हिंदू धर्म है, मंदिर हिंदुओं का है, उसी तरह मस्जिद भी तो एक हिंदू मुस्लिमों का एक धार्मिक स्थल है, आप तो क्यों यहाँ पर क्यों कराने, हमने कब उसको बंद कराने, पूरे दिल्ली में क्या हो गया, आप बताइए ना क्यों ऐसा। कपिल मिश्रा साहब क्यों इस तरह से बयान दे रहे हैं, आपके पार्टी के लोग क्यों हिंदू मुस्लिम नहीं बोले कि ये पाकिस्तान का मुकाबला, ये हिंदुस्तान और वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला है, ये नहीं बोले। नहीं नहीं जी, मिश्रा जी क्या बोले हैं, मिश्रा जी ठीक, अच्छा वो वैसी क्या बोला है वो आपको दिखाई नहीं दिया, वारिश पठान क्या बोला वो आपको दिखाई नहीं दिया, सोनिया गांधी क्या आह्वान की वो आपको दिखाई नहीं दिया। हिंदुओं की घर की सुरक्षा वारिश पठान नहीं कर रहे थे, यहाँ के इस मुल्क के मुसलमान कर रहे थे, जिस दिन दंगा हो रहा था देश में जी, दिल्ली में। हाँ, आप मुसलमान खुद सुरक्षा कर रहे थे सर, सुरक्षा कर रहे थे बिल्कुल, उस दंग पत्थर लेके, आप मेरा लाइव देखिए, पत्थर चलने लगा मेरा पैर, जब चलने लगा तो क्या करे, मार खा के आ जाए, इतनी सहनशीलता अब नहीं है हम हिंदू के अंदर, पत्थर के बदले फूल नहीं चलाएंगे, क्योंकि जे मोही मारा ते मैं मारा, आपने एक थप्पड़ मारा हम भी एक थप्पड़ देंगे आपको बस। आप मुझे ऐसा लगता है कि राम के बहुत बड़े भक्त हैं, क्योंकि राम गाल दोनों साइड में इन्होंने लिखा है राम राम। ये समझने की बात है दोस्तों कि पूरे दिल्ली में, पूरे देश में एक दहशतगर्दी बनी हुई है, लोग किस तरह से जान बचाने की लगातार तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं दलित मुसलमान जो लगातार दिल्ली छोड़ने की बात कर रहे हैं, ऐसे में जो उपद्रवी हैं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, तमाम लोग हैं ऐसे आप ही जैसे जो लगातार दिल्ली में दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी सरकार से क्यों नहीं सवाल करते कि बेरोज़गारी कैसे दूर होगी। हाँ, इसके पहले 7-8 साल पहले जो कलेक्टर थे सरकार, उसकी नौकरी छोड़ लेकर और घर बैठा दी है, करने वाला पढ़ने वाला जो मेरिटेरियस विद्यार्थी है आज भी नौकरी कर रहा है करने वाला। आपके बयानों से असर पड़ रहा है मैडम, आप 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 जो कुछ बोलते हैं लाइव में, क्या क्या आपने बोला आपको पता ही होगा, कुछ नहीं ऐसा हमने पूरा बोला। हमने जो इतना बोला जागो, हमने सिर्फ इतना बोला जे जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, खतरे में है हिंदू क्या, सोचो तो नहीं सोच नहीं रहा था मैं आपसे कह रहा हूँ, खतरे में है हिंदू क्या, हिंदू कभी, सनातन धर्म मेरा इतना मजबूत धर्म है आदि अनादि काल से, जगा रहे मैं भी एक हिंदू, नहीं घर में वही हिंदू 19 नहीं नहीं अभी तक जो हमारे धर्म गुरु हिंदू मुस्लिम भाई मैं समझती हूँ, एक बकरे एक कसाई, एक कैसा है भाई। आपको आपने हर चीज को लपेटे में ले लिया, आपके जजमेंट जो आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, तमाम चीजों को आपके संगठन ने जो है उस पर प्रशासनिक तौर पर दबाव बना रखा बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, आप मानती हैं कि बीजेपी के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, नहीं नहीं तो बिल्कुल क्या, नहीं नहीं बीजेपी के अंदर कहाँ है सुप्रीम कोर्ट, हिंदू का पानी का लीटर का मापदंड रखती है होली में, कितना पानी हिंदू गिराएगा, जामिया में क्यों गोली चलवाया, शाहीनबाग में क्यों चलवाई गोली, नहीं नहीं वो तो उसी का आदमी निकला ना कांग्रेसी, क्या सुनिए कांग्रेसी नहीं, वही मीडिया 12 बजे रात में सुप्रीम कोर्ट खुली, इस पर कभी चर्चा नहीं, बटला इनकाउंटर पर आंसू गिरी, इस पर कभी चर्चा नहीं, लेकिन हमने एक बार रास्ता क्या रोक दिया, पूरे वर्ल्ड में हमारी चर्चा, अरे वो तो कत्ल करके भी महफूज है, हमने तो बोल के भी बदनामी ले लिया। आप लोकतंत्र में विरोध करना एक शोभनीय बात होती है, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अगर आप लोकतंत्र तभी जिंदा है जब आप लगातार विरोध कर रहे हो, लेकिन जब हिंदुस्तान में और दिल्ली जैसी राजधानी में लगातार जब विरोध हो रहा है तो कुछ लोग विरोधियों का भी विरोध कर रहे हैं, जो यानी कि NRC NPR और CAA का लगातार विरोध कर रहे थे उनके खिलाफ में कुछ भाजपा के लोग RSS के लोग, रागनी जी आप किन संगठन से जुड़े, ना राजनीति और संगठन से भगवान बचाए मुझे, हिंदू महापरिषद से तो जुड़े हुए, नहीं 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 आप देख लीजिए आप लोग, तो आप लोग के लिए क्या दिक्कत है, तो फिर इतना कहां से संस्कारित हो गई कि आप चूंकि मैं खतरे में है, हिंदू खतरे में, संस्कारित इसलिए जब मैं पंडित कुल में ठाकुर बहुल क्षेत्र में, मेरे पिताजी बिजनेसमैन थे बनिया, और मेरे घर में आज भी 15-20 गाय भैंस घोड़ा, इसलिए जो चार वर्ण हमारे हिंदू को हैं चारों का गुण मेरे अंदर भरा हुआ है, चाहे दलित हो वो मेरे भाई हैं, वो मेरे सगे हैं, मेरा स्वभाव, आप उन्हीं के साथ लगातार चलती हैं, कल भी मैंने देखा था दीपक जी हैं, मिश्रा कपिल साहब हैं, उन्हीं के साथ आपका जो ग्रुप है, मतलब दंगाई भड़काई ग्रुप है क्या,
कुछ भी बोल दो आग लग जाता है देश में। नहीं तो लगाने वाला पत्थर लेके, इसका मतलब पत्थर लेके प्रतीक्षा हो रहा है जो कब माने कोई, जैसे आप 70 दिन थे, 70 दिन वो लोग था, हमें तो कोई, हम तो पत्थर तलवार लेके वहां नहीं पहुंचे, लेकिन हम ऐसे ही घर से निकल गए। नहीं जफराबाद जाम था, उसी के विरोध में हम गए साइन, पूरे पूरे दुनिया को तुम क्या जाम कर दोगे? धर्मशाला है ये हमारी धरती है, हम टैक्स देते हैं इस पे, हमारे कमाई को खाकर हमारे धरती पे रह के हमारे विरोधी काम करेगा, हम क्यों सहेंगे? कौन आपके विरोध में काम कर रहा है? साइन बाग क्या है, एक तरह से काम कर रहा है, वो तो एनआरसी एनपीआर, एनआरसी हमें चाहिए, उसे नहीं चाहिए। जिसको यहाँ दिक्कत है वो जाए पाकिस्तान, जहाँ सुरक्षित है जाए, यहाँ उसको खतरा है जाए यहाँ से, हम नहीं घेर रहे हैं किसी को, हम चाह रहे हैं जो जाए। मतलब ये आप, मैंने 57 देश में उसको जगह नहीं है, भारत में ही उसको जगह है, भारत में वो अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा था, जाए यहाँ से। एक बात बताइए, आजादी के टाइम पर जो दलित, जो हिंदू, नहीं दलित मेरा भाई है, दलित की बात ना कीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, जिन्होंने पाकिस्तान को अपना मुल्क समझा था, देश, वो तो पाकिस्तान चले गए, और जो मुसलमान हिंदुस्तान को अपना देश समझा था वही लोग यहाँ है, आज उन्हीं का विरोध कर। 40% हिंदू वहाँ गए थे, 2-3% बच गए, क्या हमारी औरत बांझ गई थी वहाँ? क्या हमारे भाई नपुंसक गए थे वहाँ? मन से गए थे वो, अपने अपने मन से यहाँ रहे थे उन्होंने, और मेरे अनुसार रहना होगा, मेरे अनुसार वहाँ क्या दुर्दशा है हिंदुओं की, उन्होंने अपना देश पाकिस्तान को माना था, हिंदुस्तान को नहीं। लेकिन जो लोग मानिए उन्होंने अपना देश हिंदुस्तान को माना था हाँ, इसलिए आज उस पे आप जुल्म तो कर रहे हैं। तो फिर नहीं तो फिर सीए का विरोध की, भारत सरकार के अगर अधीन तुम मानते हो तो सरकार के हर फैसले, हर सरकार से फायदा लेने पर तुमको कोई दिक्कत नहीं है, सरकार के जैसे फैसले पर विरोध की? कौन कहाँ आप देख रहे हैं कि शाइन बाग या जामिया के हर हर चीज पर विरोध? शरीयत लाओ, जब ड्रेस कोड भारत में सरकार लागू करना चाहिए, सबसे ज्यादा विरोध मुस्लिम का। अरे तुम हर बात पर विरोध पर क्यों अर जाते हो? सरकार जब तुम हिंदुस्तान को हिंदुस्तान मानते हो तो जनप्रतिनिधि के दिए हुए फैसलों को स्वीकार करो। मुझे लगता है कि समय हो चुका है बहुत ज़्यादा। दोस्तों ये रागनी जी हैं जिनसे लगातार हमने बात की, आपने देखा। मुझे लगता है कि रागनी जी जैसे तमाम लोग जो लगातार, मैं इसे सीधे शब्दों में बोलूँगा, आप दंगा भड़काने का काम लगातार कर रही हैं, आपके जैसे तमाम लोग हैं, देखिए मैं मुंह पे बोलता हूँ, दीजिए अगर आप लोग कहिएगा तो बिना FIR बिना कोर्ट बिना पुलिस बिना कचहरी चली जाऊंगी। आप पे FIR तक नहीं हुआ, आप कैसे जाएंगे? जब FIR ही नहीं हुआ कुछ किया ही नहीं तो FIR कहाँ होगा? हमने जब कुछ किया ही नहीं तो क्यों होगा FIR? तो किस बात से ट्रेंड हो रहे हैं पूरे मुल्क में आप? वो मीडिया की देन है, मीडिया किसको कहाँ क्या न करा दे, ये मीडिया की देन है, हमने कुछ नहीं किया। मीडिया मेरा घर कहाँ है, मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, मैं टीका लगाती हूँ, हम बोस सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी, हम टीका लगाते हैं, हम भगवा पहनते, सारा लेखा जोखा। सुभाष चंद्र बोस क्या बोले थे कि यहाँ मुसलमान को मारो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँ। यहाँ के मुसलमानों को क्या बोला था सुभाष चंद्र बोस जी ने कि मारो काटो मुल्लों को भगाओ, यही बोला? नहीं, देश विरोधी बोल रही है। उस दिन भी मैं, उस दिन भी जो दोष देश विरोधी है उसको हटाया गया था, तब अंग्रेज था देश विरोधी, आज जो भी विरोध राष्ट्रवादी, आज भी राष्ट्रवादी का समर्थन है, राष्ट्रवादी नहीं थे? हाँ थे, उनका समर्थन है, आज भी हम पूजनीय मानते हैं उनको, उन्हीं के तो वंशज हैं, उन्हीं के तो लोग हैं। नहीं, देशद्रोही उनके नहीं हैं। कलाम साहब ने कभी सीए का विरोध देखकर, कलाम साहब देश विरोधी बातें नहीं की, हमारे देश के लिए जिए, हमारे देश में रहे, हमारे लिए सब कुछ किए। ठीक है दोस्तों, बहुत वक्त हो चुका है रागनी जी, समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन मुझे आप विनती है आपसे कि जो इस तरह की लगातार बातें हो रही हैं आप इनसे बचें और इन तरह की भड़काव भाषण ना दें, ताकि देश में जो दंगा जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, एक मिनट, जैसे दंगा जैसे हालात पैदा हो रहे हैं वो ना हो। एक सोचने वाली बात है, कपिल मिश्रा और तमाम अनुराग ठाकुर जैसे तमाम लोग हैं जो लगातार शाइन बाग को टारगेट कर रहे हैं, लगातार जामिया को टारगेट कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि इस मुल्क की जो आवाम है, उसकी जो आईन है, उसका जो संविधान है, उस पर कड़ा हमला हो सके। जो लोग आज उसी के लिए, आज विरोध के लिए, संविधान बचाने के लिए शाइन बाग जैसे जामिया जैसे जगहों पर बैठे हुए हैं और लगातार पुरजोर उनका विरोध कर रहे हैं कि NRC NPR और CACA को हम नहीं मानते, हम नहीं जानते। बहुत बहुत शुक्रिया रागनी जी, धन्यवाद।